112 साल से छिपा था। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में अंग्रेजों का एक राज। जो अब हो गया है बेपर्दा, ये राज जुड़ा था उस विरासत से जिसे यूनेस्को ने घोषित किया है वर्ल्ड हेरिटेज, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जहां एक तहखाने ने खोले अंग्रेजों के जमाने के अनेकों राज। साल 2001 तक भी रेलवे स्टेशन पर जमा होने वाली टिकटों के पैसे की काउंटिंग यहां की जाती रही है, उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर आज से 112 साल पहले, साल 1888 में बना एक खुफिया तहखाना। अंग्रेजों के जमाने में बने इस तहखाने के मिलने के बाद से ही इससे जुड़े कई राज भी अब सामने आने लगे हैं। इस तहखाने तक जाने के लिए रेलवे स्टेशन के कैश ऑफिस से एक खुफिया रास्ता जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये रास्ता रेलवे स्टेशन से लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई तक जाता है। साल 1888 में अंग्रेज आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन को बनाया था। इस रेलवे स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानते थे। यूनेस्को ने इसे साल 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया। लेकिन अब इस रेलवे स्टेशन से निकले हैं कई राज, उसने हर किसी को चौंका दिया है। इस रेलवे स्टेशन में अंग्रेजों के जमाने का एक खुफिया तहखाना मिला है। 112 साल पहले इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का नाम दिया गया था, और ये तहखाना उसी वक्त का है। इस तहखाने तक पहुंचने का रास्ता इस स्टेशन के इमारत के कैशियर ऑफिस के ठीक पीछे मौजूद है, और इसके दरवाजे पर ब्रिटिशों की मुहर भी लगी हुई है। तहखाने के दरवाजे लगभग 1000 किलो के हैं, जिसे खोलना बच्चों का खेल या कोई आसान काम नहीं है। ये जो तहखाना है, ये सीएसटी बिल्डिंग जो है हमारी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के जो लेफ्ट विंग है, उस विंग के में जहाँ हमारा पुराने ज़माने का कैश ऑफिस हुआ करता था, उस कैश ऑफिस के नीचे हैं। और ये एक अंडरग्राउंड तहखाना है, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें करीब करीब 23 सीढ़ियाँ हैं, उससे आप नीचे जा सकते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग रूम की तरह वहाँ पर लोहे का बड़ा सा गेट है, उसके लिए अलग अलग तरीके के ताले इस्तेमाल हुआ करते थे, जो आम आदमी उन तालों को देख नहीं पाएगा, उस तरह के ताले हैं। वो दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर अगर आप भीतर जाओगे तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है, जिसके भी अलग डिज़ाइन के ताले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज़मीन के अंदर होते हुए भी इसमें बहुत अच्छा वेंटिलेशन का इस्तेमाल किया गया है, जो डिज़ाइन किया गया है, जो उस समय के जो इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था, और उसी बिल्डिंग के निर्माण के समय उन्होंने ये तहखाना बनाया था, उसमें उन्होंने हवा और लाइट आने के लिए उपयुक्त मात्रा में हवा और लाइट आए, इसके लिए उन्होंने ध्यान रखा था। और वो अभी भी आजकल के ज़माने के इंजीनियर्स को भी के लिए भी ये काफ़ी रहस्यमय है कि इस तरह से उन्होंने अंदर तहखाने में भी उन्होंने किस तरह से लाइट और हवा का इस्तेमाल आने दिया था। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद तहखाने के दरवाजे को खोलकर अंदर जाने के लिए एक रास्ता नजर आता है।
हमारी रिपोर्टर भी इस तहखाने में गई। तहखाने के भीतर जाने के लिए एक छोटा सा और रास्ता है। जो 23 सीढ़ियां उतरकर नीचे जाते ही सामने दो बड़े कमरे नजर आते हैं। कमरे में कुछ रैक दिख रहे हैं, फिर एक दरवाजा और उसके भीतर पेटियां और तिजोरी। यहां कभी किसी जमाने में पैसों की गिनती की जाती थी और पैसे इसी तहखाने में रखे जाते थे। यही वो रास्ता है जो तहखाने तक जाता है और जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि एक अंडरग्राउंड रास्ता भी है जो आरबीआई तक जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश जमाने का ये स्टेशन है और इसीलिए ये खासियत है इस स्टेशन की, ये हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज में आता है और ये एक रास्ता अब जो है ये बताने के लिए काफ़ी है कि उस जमाने में किस तरीके से जो CST स्टेशन है, ब्रिटिश जमाने में किस तरीके से यहाँ कैश जो है जमा किया जाता था। और ये वो इलाका है आपको दिखा रहे हैं, ये तहखाना है जहाँ पर लिफ्ट के जरिए कैश के बॉक्स यहाँ पहुँचते थे और यहाँ पर कैश की काउंटिंग होती थी। आपको दिखा देंगे कि ये लिफ्ट होती थी कैश ऑफिस, ये लिफ्ट सीधे यहाँ पर आती थी जिनमें कैश की पेटियाँ होती थी और इस इलाके में जो है कैश की काउंटिंग की जाती थी। आपको इस तरीके से देखिए ये पेटी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ब्रिटिश ज़माने में भी यहीं पर जो है कैश की काउंटिंग की जाती थी और जो है पैसे आरबीआई तक दिए जाते थे। बहुत पुराने समय का आपको लॉकर भी दिख जाएगा यहाँ पर। एक 112 साल पुराने CST स्टेशन में ब्रिटिश जमाने के तहखाने में टिकट से मिलने वाले पैसों की गिनती कर उसे आरबीआई में जमा करवाया जाता था और इसीलिए ऐसा माना जाता रहा है कि CST से आरबीआई तक पैसे रखवाने के लिए एक सुरंग भी मौजूद थी। इस खुफिया तहखाने में जाने के लिए 23 सीढ़ियां हैं, जबकि कैश को एक लिफ्ट के जरिए तहखाने तक पहुंचाया जाता था। लिफ्ट में पैसों की 3 पेटियां आराम से रखकर साल 1967 तक मैनुअल तरीके से यानी रस्सी के सहारे तहखाने के सबसे आखिरी तहखाने में, सबसे आखिरी कमरे में पहुंचाया जाता था। उस जमाने की एक लिफ्ट मौजूद है जिसमें कैश जितना भी जमा होता था टिकट काउंटर में उस कैश को रखा जाता था और इस लिफ्ट के ज़रिए जो है ये कैश नीचे उस रास्ते तक पहुंचता था जिसके बाद इसकी गिनती की जाती थी और उसके बाद ही उसी अंडरग्राउंड रास्ते के ज़रिए ये कैश जो है आरबीआई तक पहुंचता था। आपको बता दें कि इससे पहले जो लिफ्ट है पहले मैनुअल हुआ करती थी, यानी रस्सी के सहारे इसे ऊपर नीचे भेजा जाता था, लेकिन साल 1967 में 28 मार्च साल 1967 में इसे जो है मैनुअल तरीके से बदलकर ये तरीका जो है यहाँ अपनाया गया। लिफ्ट को जो है चेन, जो यहाँ पर आपको चेन दिख रही है लोहे की, उसके जरिए और ये ऑटोमेटिक किया गया जिससे लिफ्ट ऊपर नीचे जा सकती है। तहखाने के भीतर जाने से महसूस होता है कि जैसे आप किसी अंधे कुएं के अंदर जा रहे हो, लेकिन इसे इतनी खूबसूरती से तराशा और बनाया गया है कि तहखाने के भीतर वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होती। ब्रिटिशों ने इस तहखाने को इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया था कि तहखाने के भीतर रहने वाले लोगों को कभी भी वेंटिलेशन की कोई कमी महसूस ना हो। कमरे के भीतर दीवारों में 3 एयर शाफ्ट बनाए गए हैं ताकि पैसों की गिनती करते वक्त लोगों को ऑक्सीजन मिलती रहे। इतना ही नहीं, सिक्कों को सीधे इस तहखाने में गिराने के लिए तहखाने की छत पर जगह बनाई गई है।
जिससे सीधे सिक्के तहखाने में आकर गिरते रहे होंगे। 140 से 170 किलो वजन की पेटियों के भीतर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे पैसे और सभी जरूरी कागजात रखती थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सन 1878 में इसका कार्य शुरू हुआ था और सन 1888 साल को ये इस बिल्डिंग का निर्माण पूरा हुआ था। तो उस समय से इस ये जो मध्य रेलवे की उस समय GIPR हुआ करती थी, तो GIPR रेलवे की जो सारी जो कैश और जमा पूंजी आती थी वो इकट्ठा करके एक तहखाने के अंदर स्थित स्ट्रांग रूम के अंदर ये सारा कैश और जमा इकट्ठा होती थी, वहाँ पर उसकी गिनती होती थी और वो सारी जो कैश है दूसरे दिन बैंकों में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में चली जाती थी। तो ये विश्व धरोहर हमें 2004 में यूनेस्को ने इस इमारत को विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। उसके बाद से हम लोग इस इमारत से जुड़े हुए जो सारे हेरिटेज से जुड़े हुए चीज़ें हैं उन चीज़ों को दोबारा पुनः उसको उपयोग में लाने का और पुनः उसको जतन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोगों ने ये जो पुराना तहखाना था उस तहखाने को अभी हम लोगों ने रिस्टोर किया है, उसका पुनर्जतन किया है। और इस तहखाने में अगर आप देखेंगे तो इसमें करीब करीब 23 सीढ़ियाँ थी और पुराने ज़माने में रस्सी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े कैश के जो सेफ होते थे उनको आदमी ऊपर से नीचे रस्सी के जरिए पुली के जरिए नीचे लोअर करते थे। बाद में 1967 साल में इलेक्ट्रिक लिफ्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू हुआ और करीब करीब 15 साल पहले ये जो तहखाना था इसका इस्तेमाल बंद हो गया, क्योंकि जो हमारा कैश जमा करने का जो तरीका है वो तरीका बदल गया और डायरेक्टली बैंकों में कैश जमा करने का जो तरीका है वो शुरू हो गया है। तब से ये जो जगह है और ये जो हमारा तहखाने का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो किसी काम में नहीं आ रहा था, लेकिन हेरिटेज के तहत हम लोगों ने इस तहखाने को उसका जतन करके और उसको पूरी तरह से जो पुराने नया जब बना होगा उस समय जिस तरह की उसकी कंडीशन थी उसी कंडीशन में उसको दोबारा ला करके हम लोग इसको एक राष्ट्रीय धरोहर की तरह से रखना चाहते हैं। इस तहखाने को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम टाइम मशीन के जरिए साल 1888 में पहुंच चुके हों। बहरहाल आज तो ये तहखाना पूरी तरीके से खाली है, लेकिन किसी जमाने में रेलवे के खजाने से ये तहखाना भरा हुआ था, जहां रेलवे अपनी गाढ़ी कमाई को तहखाने के जरिए सुरक्षित रख पाती थी।